धीरे धीरे जब बाल
किसी से जब पढ़ा बदल तुम्हारा तारक यशस समझी हमारा ऐसा ही पुत्र और ही नहीं एक पुत्र और बनाया जो कि एक ही पुत्र हो गया और एक पुत्र और एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए एक ठंड डाली और उसी समय कृतियों की स्त्री ने भाषण किया था उन कृतियों ने डर के कारण उसको जब वो हर त्यागा तो पुत्र बन करके तैयार हो गया इसलिए वीरभद्र को बुलाया भाई वीरभद्र मेरी आत्मा में ये कह रहा है कि मेरा पुत्र जो है उसको ला करके मुझे दे सजनों वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैं तुम्हारे सब दुख को दूर कर कमी ने कहा भी है अरे नादान माँ से बढ़ के कौन होता है माँ के साये में जमाने का प्यार होता है अगर तू भूल गया माँ तुझे पढ़ाती है भूखी तो रहती है लेकिन तुझे खिलाती है अगर तू आँख से होश हुआ न सोई माँ अगर तू रूठ गया दिल पढ़ के रोई माँ लिखा पढ़ा के माँ ने जब तुझे जवान किया तुझे लिखा बना के देखी अरमान किया सच वो माता है सत्य में ही मेरी कार्तिक की माता बन रही है माताओं से अगर किसी पुत्र के लिए छिपाया अगर जाए छुड़ाया अगर जाए तो सजनों ऐसा होता नहीं एक बार एक गाड़ी पर बंधिया माता आने बिना पुत्र के विचार कर रही थी मेरे लिए जाना है उसी से कहा क्यों भाई इस गाड़ी पर मैं बैठ जाऊं तो सजनों उसके पुत्र नहीं था वो बैठी थी जिसके पुत्र है उसने कहा बैठ जाऊं तो कहा जाए उसको बिठा लिया बहुत देर से उसने पुत्र नहीं खिलाए थे बाल नहीं खिलाए थे इसलिए प्रसन्नता से हाथ को बढ़ाया और पुत्रवती माता से पुत्र को ले लिया स्थान है अब मेरा घर आ गया है इसलिए मेरे पुत्र को ले लो तुमने खूब खिला लिया तुम्हारी आत्मा खूब तृप्त हो गई होगी ले लो दे दो तो माता बोली कि तेरा घर का पुत्र है तेरा है अरे मेरा है अगर तेरा है तो तू ले तो सजनों वो खाने पीने के लोभ में बालक उसके पास आ नहीं माता ने बहुत कोशिश की कि मेरे पास आ जाए पर आया नहीं माता रोने लगी बेटा मैं तेरी माता हूं ये तो तुझे